नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से आज किसान पाठशाला प्लेटफॉर्म पर बलराम किसान जी के साथ में। आइए कुछ किसान मित्रों ने वीडियो बनाकर भेजिए, देखते हैं। बलराम भाई, जय श्री राम। जय श्री राम। भूपेंद्र सिंह, ग्राम समदा, पोस्ट बेनी गद्दोपुर, तहसील बीकापुर, डिस्ट्रिक्ट अयोध्या, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी जी। मैंने केला 20 जुलाई को लगाया था जी। इसमें बेबस्टीन, सुक्रोज और डेंटासू डाल के बैठवाया था 5x7 पे। जी जी। हमारा केला इस तरह है, एकदम बढ़िया चल रहा है। छोटा है और कहीं बड़ा है। जी जी। इसको एक बराबर करने के लिए क्या किया जाए जी, एवं जो है इसका सलाह दीजिए, जिससे इसमें थोड़ा सा मैं रोकना चाहूँगा। और इसमें क्या है भैया, जो ये खरपतवार है इसको कटिंग कर यहाँ पे बिछा दीजिए पाली के ऊपर, और नाली और पाली का कंसेप्ट बना लीजिए, ताकि बारिश जो आएगी तो पाली से पानी नाली से निकल जाए और पौधा पाली के ऊपर रुक जाए, और ये जो खरपतवार है इसको पूरे को निकाल के यहाँ कचरा मल्चिंग स्वरूप बिछा दीजिए, और पौधे के चारों तरफ 2 फीट वाली जो जगह है उसको क्लीन रखना है, ठीक है। और पिछला जो क्वेश्चन था आपका कि छोटे पौधों के लिए करो क्या, तो छोटे पौधों के लिए करो क्या, एक नॉमिनल मुझे कुछ ज़्यादा तो नहीं लगे, लेकिन जो भी होंगे उसके लिए 40 किलो अमोनियम सल्फेट लेना है, उसमें 10 केजी 3/19/19 लेना है, और 200 ग्राम पोटेशियम हुमेट, इसका मिश्रण बनाना है। और मिश्रण बनाने के बाद में इसमें 50 किलो आपकी सरसों की खली आती है आपके तरफ, यूपी से हो भैया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सरसों की खली, तो वो 50 किलो मिश्रण और ये 50 किलो मिश्रण दोनों को एक जगह पे मिक्स करना है। और जो छोटा पौधा है उसके पास 100 ग्राम ऐसा गोल रिंग बनाकर, पौधे से 6 इंच दूरी पर ऐसे गोल रिंग बनाकर बेसल डोज के स्वरूप में डाल देना है। ये एक्स्ट्रा पुशअप के लिए है, जो पौधा पट से इसे अपटेक करके ऊपर भागेगा। ये महीने में हर 5-5 दिन में एक बार देना है, 5 बार, तो आप एक लाइन लेवल में पौधे की ग्रोथ को देखोगे, ठीक है। बाकी आगे भी आपका वीडियो देखते हैं। पेड़ अच्छा चले और फल अच्छा आए। जी जी। कृपया मार्गदर्शन करें। जी जी। इसमें एनपीके का ड्रिंचिंग भी करवाया था। पौधा तो देखने से काफी अच्छा हो गया था, दोबारा रोपाई करवाया है। जी जी। इसमें क्या करना चाहिए, खरपतवार निकाल दीजिए, सलाह जी जी दीजिए, और जो गाइडलाइन आई है आपके पास में उस हिसाब से आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू भारत, नमस्ते किसान।